सो हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की जो हमारी वीडियो है वो बहुत ही ज्यादा स्पेशल होने वाली है, बिकॉज टुडे वी आर गोइंग टू डिकोड द लेटेस्ट क्वेश्चंस फ्रॉम द सेक्शन ऑफ लिटरी थ्योरी। हमारे जो लेटेस्ट पेपर हुए थे 2022 के, उसमें से सारे जो लिटरी थ्योरी के हमारे क्वेश्चन है वो आई हैव ब्रॉट फॉर यू। एंड लिटरी थ्योरी एक ऐसा सेक्शन है जो इंग्लिश लिटरेचर के बच्चों को बहुत ज्यादा डराता है एंड बहुत बच्चों को तो समझ में भी नहीं आता है। तो क्योंकि हमारे 2023 के एग्जाम्स बिल्कुल पास में आ चुके हैं एंड आपकी तैयारी बहुत अच्छी चल ही रही होगी, तो ऐसे में ऐसे क्वेश्चन का मिल जाना जहां पे हम लोग प्रैक्टिस करते हैं लेटेस्ट क्वेश्चंस को, बहुत ही ज्यादा फ्रूटफुल आपके लिए होता है, क्योंकि आप जज कर पाते हैं कि जो आप पढ़ रहे हैं वो सही ट्रैक पे आप हैं या नहीं, या फिर कोई नया कॉन्सेप्ट या कोई रिपीटेड कॉन्सेप्ट आया है या नहीं, तो वो आपको बहुत अच्छी तरीके से प्रिपेयर हो जाएगा। इस वीडियो के जरिए आपको मिलेंगे क्वेश्चंस, एक्सप्लेनेशन प्लस द पीडीएफ। आप मेरा टेलीग्राम चैनल जाके जरूर से ज्वाइन कर लीजिए, वहां पे आपको ये पीडीएफ बहुत ही इजीली मिल जाएगी। तो आइए ऑन दैट नोट हम लोग क्विकली स्टार्ट करते हैं और वन बाय वन हम लोग क्वेश्चंस विद एक्सप्लेनेशन को देखते हैं। सो लेट्स गो। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, आइडेंटिफाई द वन दैट हैज नॉट बीन पेयर्ड करेक्टली। हमारे सामने चार ऑप्शंस हैं जिसमें से हम लोग को वर्ड्स दिए हुए हैं एंड देन हम लोग को कुछ राइटर्स के नेम दिए हुए हैं एंड हम लोग को बताना है कि कौन सा पर्टिकुलर ऑप्शन हमारा इनकरेक्ट है। हमको बहुत अच्छी तरीके से ये समझने की कोशिश करनी है कि आपको तुरंत ऑप्शंस पे नहीं भागना है, आपको ये भी देखना है कि आपका क्वेश्चन आपसे नॉट पूछ रहा है, इनकरेक्ट पूछ रहा है या फॉल्स पूछ रहा है। तो अकॉर्डिंग टू दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन हमारा ये वाला जो ऑप्शन है वो गलत बन जाता है, क्योंकि मैडनेस इन सिविलाइजेशन रोलाबाद का टर्म नहीं होके हमारे मिशेल फुको का टर्म है। आइए हम लोग थोड़ा सा इस टर्म और मिशेल फुको के बारे में जानते हैं। मैडनेस इन सिविलाइजेशन हिस्ट्री ऑफ इंसेनिटी इन द एज ऑफ Reason is an examination by Michel Foucault of the evolution of the meaning of madness. ये बहुत ही important work है हमारे Michel Foucault का and इस particular work के अंदर वो insanity and आपके madness के topic को उठाते हैं and आपके तीन phases के अंदर उसको examine करते हैं। पहला phase है कि आपके insane people को Renaissance में कैसे treat किया जाता था, then आपके neoclassical age में उनको किस तरीके से treatment मिला, then हमारे modern age में आते-आते उनको किस तरीके से चीजें प्रोवाइड की जा रही हैं, उनके लिए मेंटल असाइलम्स बनाए जा रहे हैं एंड सो ऑन। तो इस पर्टिकुलर बुक के अंदर इन्होंने इस बारे में बात की है। अगर हम लोग मिशेल फुको के बारे में जनरली बात करें तो ये एक फ्रेंच फिलोसोफर हैं, हिस्टोरियन हैं, राइटर हैं, पॉलिटिकल एक्टिविस्ट हैं एंड आपके लिटरी क्रिटिक हैं। इन्होंने बहुत ज्यादा स्टडी की है ऑन द रिलेशनशिप बिटवीन पावर एंड नॉलेज एंड हाउ पावर एंड नॉलेज इज trying to control your society. तो इनकी जो एक्सपर्टीज है वो ये जानने में है from the sections of power and knowledge. इनके कई सारे important works हैं, जिसमें से first है हमारा madness in civilization, the birth of the clinic, the order of the things, discipline and punishment, then आपका history of sexuality. इन सारे works में से NTA net ने बार बार questions पूछे हैं, तो अब list आपके सामने है। अगर आपसे कोई भी ऐसा section है, कोई भी ऐसा work है जो miss हो गया है, तो इनको देख के आप उनके बारे में थोड़ा सा जाके सर्च कर सकते हैं। आइए अपने अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं और ये क्वेश्चन है हमारा न्यू क्रिटिसिज्म से। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एप्लीकेबल टू द न्यू क्रिटिसिज्म। हम सब लोग जानते हैं कि एक लिटरी क्रिटिसिज्म हमारा सेक्शन है जो ट्रेडिशनल क्रिटिसिज्म के बारे में बात करता है, आगे बढ़ते बढ़ते वो न्यू क्रिटिसिज्म का रूप ले लेता है। तो देखिए इसमें क्या क्वेश्चंस पूछे गए हैं। इट ड्रॉज कंसिडरेबल फ्रॉम द वर्क्स ऑफ आई ए रिचर्ड्स एंड द क्रिटिकल एसेज ऑफ टी एस एलियट, विच इज करेक्ट। हमारा जो न्यू क्रिटिसिज्म एज अ फील्ड है, अगर हम लोग टी एस एलियट के बारे में बात करें तो ये एक ऐसे मॉडर्न क्रिटिक थे जिनकी थ्योरी ऑफ इम्पर्सनैलिटी एंड ऑब्जेक्टिविटी के बारे में ये बात करते थे कि आपके काम को आपके ऑथर से बिल्कुल अलग होना चाहिए, दोनों का एक दूसरे से कोई रिलेशन नहीं होना चाहिए। एंड हेंस आगे जाके आई ए रिचर्ड्स भी इसी प्रैक्टिकल क्रिटिसिज्म के बारे में बात करते हैं, जो कि नाम बन जाता है हमारा न्यू क्रिटिसिज्म, जिसके अंदर हमारे सारे राइटर्स ये बताने की कोशिश करते हैं कि क्लोज रीडिंग ऑफ द टेक्स्ट होना चाहिए रादर देन फोकसिंग ऑन द बायोग्राफी ऑफ द ऑथर। देन इन पर्टिकुलर आगे के
स्टेटमेंट्स में हम लोग देख सकते हैं कि FRUS के बारे में क्या बोला है. सम ऑफ इट्स कॉन्सेप्ट्स वर प्रीएम्प्टेड बाय FRUS. अगर आप इंग्लिश लिटरेचर के स्टूडेंट हैं तो आप जानते होंगे FRUS न्यू क्रिटिक का एक पार्ट है एंड ये TS Eliot की थ्योरी से बहुत ज्यादा प्रभावित थे. तो दिस पॉइंट ऑल्सो बिकम्स करेक्ट. इट डिस्टिंग्विशेस बिटवीन लिटरी एंड साइंटिफिक यूजेस ऑफ लैंग्वेज व्हिच इज कंप्लीटली करेक्ट. हमारे जितने भी न्यू क्रिटिसिज्म के पायोनियर्स थे वो फोकस करते थे ऑन क्लोज रीडिंग ऑफ द टेक्स्ट. उनका फोकस होता था साइंटिफिकली टेक्स्ट को स्टडी करना रादर देन आपके लिटरी एंड बायोग्राफिकल फिगर्स को देखने का. तो ये तीनों पॉइंट ही आपके करेक्ट बन जाते हैं. आपका करेक्ट आंसर है ए बी एंड सी. ठीक है, आगे बढ़ते हैं. हम लोग आंसर देखेंगे और थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे, देखने की कोशिश करेंगे न्यू क्रिटिसिज्म के बारे में. न्यू क्रिटिसिज्म फॉर्मलिज्म जैसी ही एक फील्ड है जो फॉर्म के ऊपर, पोएट्री के कंटेंट के ऊपर फोकस करती है. टेंडेड टू कंसिडर टेक्स्ट एज ऑटोनोमस एंड क्लोज्ड. मतलब कि आपके टेक्स्ट के अंदर जो मीनिंग है इट इज कंप्लीट इन इटसेल्फ. टेक्स्ट के अंदर मीनिंग निकालने के लिए आपको पोएट की जरूरत नहीं है, आपको ऑथर की जरूरत नहीं है. वो किस टाइम पे लिख रहा था आपको इसके बारे में भी सोचने की जरूरत नहीं है. देन आपके आई ए रिचर्ड्स इज कंसिडर्ड एज द फादर ऑफ न्यू क्रिटिसिज्म, जिन्होंने एक बहुत इंपॉर्टेंट वर्क लिखा था प्रैक्टिकल क्रिटिसिज्म अ स्टडी ऑफ लिटरी जजमेंट, पब्लिश्ड इन 1929. देन हमारे जो FRUS हैं, जो ऑलरेडी मेंबर है न्यू क्रिटिसिज्म के, वो बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस थे हमारी TS Eliot की थ्योरी से. जब हम लोग इस पे आएंगे तो इसकी बहुत डिटेल स्टडी करेंगे. देन हमारा अगला क्वेश्चन है, Who among the following is associated with the term intentional fallacy in literary criticism? एक ऐसा concept जो new criticism से बार बार repeat होता है. इसका answer है आपका V.K. Wimsatt, जिसके साथ Beardsley इनके एक और दोस्त थे, एक new critic थे. इन दोनों ने intentional fallacy and effective fallacy को term किया है and बहुत important ये हमारा term बन जाता है. Intentional fallacy के through ये बताने की कोशिश करते हैं writer का intention and effective fallacy के through ये बताने की कोशिश करते हैं रीडर का रिस्पांस. फैलेसी आप सबको पता होना चाहिए, इसका मतलब होता है मिस्टेक. जब एक क्रिटिक, जब एक रीडर एक किसी ऑथर के वर्क को देखता है एंड उसको राइटर ने किस इंटेंशन से लिखा है उस बेसिस पे जज करता है, तो इस मिस्टेक को आपके विमसैट एंड बियर्ड्सली ने बताया है आपका इंटेंशनल फैलेसी. वेयर एज रीडर उसको कैसे रिस्पॉन्स दे रहा है, अगर आप इस बेसिस पे जज करते हैं तो ये बन जाती है आपकी effective fallacy. दोनों ही बहुत important है. I hope आपको समझ में आ गई होंगी. Then हमारा अगला question है, find the chronological order of publications of the given works. Now I would say कि ये question वाकई में difficult है, जहाँ पे सबसे पहले तो काम के ही बारे में नहीं, writer के बारे में नहीं, सीधा उसकी publication के date के basis पे आपसे question पूछा गया है. तो आपका answer है A C B D E. आइए थोड़ा सा हम लोग देखते हैं इनके बारे में. Mythologies एक 1957 की book है जो कि रोला बार्थ की आपकी बहुत इंपॉर्टेंट बुक है. इस पर्टिकुलर बुक के अंदर ये बात करते हैं कि कैसे आपके मिथ्स एंड माइथोलॉजीज ओवर द पीरियड ऑफ टाइम सोसाइटी में कैसे अपना मीनिंग चेंज कर लेते हैं और मॉडर्न मिथ्स का रूप ले लेते हैं. देन हमारा अगला एक बहुत ही अच्छा सेमिनल वर्क है रेमंड विलियम्स का, 1958 में पब्लिश हुआ था, कल्चर एंड सोसाइटी. इस पर्टिकुलर वर्क के अंदर आपके जो रेमंड विलियम्स है 18th सेंचुरी से लेकर 20th सेंचुरी के बीच में जितने भी कल्चरल डेवलपमेंट्स आए थे ब्रिटेन के अंदर उसको ये देखने की कोशिश करते हैं. देन आता है आपका ऑफ ग्रामेटोलॉजी, 1967 में आया था आपके जैक डेरिडा का ये वर्क है जो डीकंस्ट्रक्शन के पायोनियर है, जिसके अंदर ये स्पीच एंड राइटिंग के बीच के डिफरेंस के बारे में बात करते हैं. देन ब्लाइंडनेस एंड इनसाइट आ जाता है पॉल डी मान का, आपका ये वर्क है, डेट आपको याद रखनी है. लास्ट में वर्क आता है लोकेशन ऑफ कल्चर विच वॉज अ वर्क बाय होमी के भाभा 1994. तो सारी क्रोनोलॉजी आपको पता चल गई है. चलिए आगे क्वेश्चन आगे के क्वेश्चन की तरफ चलते हैं. Our next question is find the correct explanation of the term aporia. अब ये जो question है आपका drop कर दिया गया था NTA NET के द्वारा, क्योंकि इसके जो aporia का जो बेसिकली डिस्क्रिप्शन है उसके अकॉर्डिंग ये चारों ही आपके जो टॉपिक्स है, आपके जो आंसर्स है, वो इसमें गलत बैठते हैं. तो ये क्वेश्चन आपका ड्रॉप कर दिया गया है. आप जरा पहले पॉइंट को देखिए, ये डिनोट करता है स्पीकर या कैरेक्टर का डेलिबरेशन ऑन एन इररिजॉल्वेबल क्वेश्चन.
ठीक है। अब हम लोग थोड़ा सा देखेंगे कि अपोरिया एक्चुअल में है क्या। जैक डेरिडा जो कि एक डीकंस्ट्रक्शनिस्ट थे, उन्होंने ये पर्टिकुलर टर्म दिया है एक ऐसी पर्टिकुलर लिटरी टेक्स्ट में आने वाली कंडीशन को जिसमें बहुत ज्यादा एम्बिग्विटी है एंड उसको रिजॉल्व नहीं किया जा सकता है। ये देखिए, अपोरिया इज अ टर्म यूज्ड इन डीकंस्ट्रक्शन थ्योरी टू रिप्रेजेंट एन इररिजॉल्वेबल इंटरनल कॉन्ट्रडिक्शन और लॉजिकल डिसजंक्शन इन अ टेक्स्ट यूजुअली एसोसिएटेड विद द डीकंस्ट्रक्शन थिंकिंग। हमारे जो जैक डेरिडा है डीकंस्ट्रक्शन थ्योरी के बहुत बड़े पायोनियर हैं, इन्होंने अपोरिया को ब्लाइंड स्पॉट से कंपेयर किया है मेटाफिजिकल आर्ग्यूमेंट में, जिसके अंदर ये वाली जो आपकी डेफिनेशन है, अ लिटरी टेक्स्ट मोस्ट डाउटफुल एंड कॉन्ट्राडिक्टरी मोमेंट इज डिस्क्राइब्ड एज द टर्म अपोरिया। आपको ये लर्न होना चाहिए। तो जहां पे भी आपको कुछ इररिजॉल्वेबल जैसा दिखेगा तो आप उसको मार्क कर सकते हैं, लेकिन ये लिटरी टेक्स्ट के कॉन्टेक्स्ट में बोल रहे हैं एंड हम लोग को ऑप्शन एक स्पीकर या कैरेक्टर के बारे में दिया हुआ था, जिसकी वजह से इस क्वेश्चन को ड्रॉप कर दिया गया। आई होप दिस इज क्लियर। आगे हम लोग बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 6 को देखेंगे। मैच लिस्ट 1 विद लिस्ट 2। हमारे सामने कई सारे टर्म्स आ जाते हैं, ये यूजीसी नेट का बहुत ही फेवरेट क्वेश्चन है, कई बार रिपीटेड इसमें से आपके टॉपिक्स हुए हैं, जिसके अंदर आपके ऑथर ने कौन कौन से टर्म कॉइन किए हैं ये आपको बताना है, तो आपका करेक्ट आंसर ये बन जाता है। आइए हम लोग थोड़ा सा देखेंगे, क्लॉड लेवी स्ट्रॉस ने ब्राइकोलेज का आपका जो टर्म है ये कॉइन आउट किया है, जिसके द्वारा ये बताते हैं कि कल्चर एंड कल्चरल साइंस आर क्रिएटेड एंड गिवन मीनिंग। मतलब एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड में आपके कल्चरल टाइमिंग के अकॉर्डिंग, चेंजेस के अकॉर्डिंग आपके जो शब्द हैं वो मीनिंग चेंज करते हैं। यहां पे आप देख सकते हैं, ब्राइकोलेरियस आर इंडिविजुअल्स हु क्रिएट कल्चरल मीनिंग एंड द प्रोसेस ऑफ ब्राइकोलेज इज द मींस द क्रिएशन ऑफ सिंबॉलिक कल्चरल मीनिंग्स। मतलब कि हो सकता है कि आज से 10 साल पहले एक पर्टिकुलर सिंबल का कुछ और मीनिंग होगा, लेकिन आज हम लोग उस मॉडर्न जमाने में उस पर्टिकुलर सिंबल को किसी और ही रूप में देखते हैं। तो आपके क्लॉड लेवी स्ट्रॉस ब्राइकोलेज के कॉन्सेप्ट के थ्रू हम लोग को बताते हैं कि कल्चरली कैसे ओवर द टाइम हमारे जो शब्द है वो मतलब बदल लेते हैं। ओके, दासीन आपका एक टर्म आता है, जर्मन वर्ड जो कि एक्सिस्टेंस के ऊपर बात करता है। ये टर्म आपके मार्टिन हेडगर ने दिया है, जो इंसान की एग्जिस्टेंस के ऊपर बात करता है। ठीक है, नेक्स्ट हमारा टर्म है अ फ्रूडियन स्लिप, जिसको हम लोग पैराप्रैक्सिस कहते हैं, जिसे बात करते करते हम लोग कभी कभी स्लिप ऑफ टंग हो जाता है, मीन कुछ और कर रहे होते हैं लेकिन कुछ और बोल देते हैं। तो साइको एनालिटिक पायोनियर हमारे सिगमंड फ्राइड ने इसको बताया है एज पैराप्रैक्सिस, और ये एक कॉमनली हैपेंस व्हेन यू आर टॉकिंग बट इट कैन ऑल्सो अकर व्हेन टाइपिंग और राइटिंग समथिंग डाउन एंड इवन इन योर मेमोरी। मतलब हम लोग सोच तो कुछ और रहे हैं लेकिन शब्द हमारे कुछ और निकल आते हैं, ये हमारे सेगमेंट फ्राइड का टर्म है। देन हमारा दूसरा टर्म है पॉलीफोनी, जो कि एक बहुत ही फेमस टर्म है, बख्तिन का ये हमारा टर्म है एंड बख्तिन हमारे कैटेगराइज करते हैं नॉवेल्स कंटेनिंग डिफरेंट वॉइसेस और पॉलीफोनिक। मतलब कि आपकी एक ही नॉवेल के अलग अलग मीनिंग हो सकते हैं, हर इंसान उसमें से अपना मीनिंग निकाल सकता है। ये बात इन्होंने अपने फेमस वर्क डिस्कोर्स ऑफ द नॉवेल में कही है। ये वर्क अपने आप में इंपॉर्टेंट है और कई बार पूछा गया है। आते हैं हम लोग अपने 7th क्वेश्चन की तरफ, जो कि एक स्टेटमेंट क्वेश्चन है। ऐसे क्वेश्चंस बच्चों को बहुत ज्यादा डराते हैं क्योंकि इसके लिए आपको बहुत डीप एनालिसिस होनी चाहिए एंड ट्रस्ट मी एनटीए नेट वालों ने वाकई में बहुत डीप में जाकर ये क्वेश्चंस पूछे हैं। लेट्स टेक अ लुक। डेरिडा मेंशंस दैट एन एस्थेटिक डिस्कोर्स ऑलवेज इन्वॉल्व्स वैल्यूज एंड इंटरेस्ट इंडिपेंडेंट फ्रॉम अ प्योर एंड न्यूट्रल एस्थेटिक ग्लीम। मतलब कि अगर आप बाकी शब्दों को अवॉइड करें, सिर्फ और सिर्फ आप डिस्कोर्स और एस्थेटिक्स के बारे में बात करें, तो डिस्कोर्स एक बहुत ही सीरियस कन्वर्सेशन होता है, एस्थेटिक का मतलब होता है ब्यूटी से रिलेटेड। तो यहाँ पे इन्होंने कुछ एस्थेटिक डिस्कोर्स के बारे में बात की है। दूसरा स्टेटमेंट, डेरिडा बिलीव्ड दैट द आउटसाइड इन्फ्लुएंस इन असेसमेंट ऑफ एस्थेटिक्स always enters as and when philosophers and historians point out the elements of truth. ध्यान से मेरी एक बात को समझिएगा। अगर हम लोग की किसी पर्टिकुलर चीज को लेके कोई प्रेफरेंस होती है, हम लोग किसी भी चीज को अच्छा समझते हैं, तो हम लोग उस चीज को अच्छा या प्रेफरेंस देते हैं एक दूसरी चीज के कंपैरिजन में। मतलब अगर मेरे लिए पिंक कलर गुड है तो मेरे लिए ब्लैक कलर बैड होना चाहिए। आपके क्या कहते हैं डेरिडा इस बात को
प्रूव करते हैं, जब आप एक चीज को गुड बताते हो तो उसकी बैड चीज का उसके साथ एक इंटर रिलेशन होता है, आप उन दोनों चीज को इनसेपरेट नहीं कर सकते हो, मतलब वो एक दूसरे पे इंटरडिपेंडेंट है। एक चीज आपको तभी अच्छी लगती है जब आपको दूसरी चीज बुरी लगती है। तो ये दोनों ही स्टेटमेंट आपके करेक्ट हो जाते हैं। ये एग्जैक्ट लाइन इन्होंने डेरिडा ने यूज की है अपने एक वर्क में, जिसके अंदर ये स्ट्रक्चर के बारे में बात कर रहे हैं, बेसिकली ये ब्यूटी के बारे में बात कर रहे हैं, आपके एस्थेटिक्स की, डिस्कोर्स की, जो आपको मिलती है फिगर्स ऑफ स्पीच के थ्रू। तो फिगर्स ऑफ स्पीच हमारे वर्क को बहुत ज्यादा ब्यूटीफुल बना देते हैं एंड वो हमारे आर्ट का हिस्सा बन जाते हैं। एंड हेंस आपके डेरिडा एंड डिस्ट्रक्शन के अंदर, डीकंस्ट्रक्शन के अंदर ये गुड एंड बैड का इसी तरीके से कनेक्शन बताते हैं कि कोई भी गुड एंड बैड थिंग आपकी इंडिपेंडेंट होती है और इनसेपरेबल होती है। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं, हम लोग देखेंगे विच ऑफ द फॉलोइंग आर एप्लीकेबल टू द टर्म कार्निवल। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म है, अगेन हमारे मिखाइल बख्तिन का। ये बहुत ही ऐसे राइटर हैं जिनसे बार बार क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो आइए हम लोग देखते हैं। It becomes important through the work of the Russian theorist Mikhail Bakhtin. बिल्कुल सही है। Then it means the way in which popular humor subverts official authority in classical, medieval and the Renaissance text of the culture. अगर आपने एक particular writer के works पढ़े हैं and आप उनका थोड़ा सा भी background जानते हैं, तो आप इन कठिन शब्दों के पीछे उनका exact meaning निकाल लेते हैं। ठीक है, It overturns the established hierarchy and sets up for a popular and democratic counter culture. ओके, तो हमारा आंसर बन जाता है ए, बी एंड सी। आइए हम लोग कार्निवल और इनके कार्निवलेस्क्यू जो टर्म है उसको थोड़ा देखते हैं। कार्निवलेस्क्यू इज अ लिटरी मोड दैट सबवर्ट्स एंड लिबरेट्स द अजम्पशंस ऑफ द डोमिनेंट स्टाइल और द एटमॉस्फेयर थ्रू ह्यूमर एंड कैओस। कहने का मतलब कि ओवर द टाइम, अगेन सपोज एक पर्टिकुलर वर्क आपने देखा, जैसे विलियम कॉन्ग्रेव का आपने वे ऑफ द वर्ल्ड देखा, ओवर द टाइम उस पर्टिकुलर वर्क का आप ह्यूमरिस्टिकली कुछ अलग मतलब भी निकाल सकते हो। तो कार्निवलेस्क्यू वो एक पर्टिकुलर मोमेंट है जिसमें एक फर्दर डेवलपमेंट होता है एंड आप उसको प्ले है या पैरोडी है या वो कुछ भी है, आप उसमें एक डिफरेंट मीनिंग निकाल सकते हो। ये जो इनका टर्म है कार्निवल, मिखाइल बख्तिन के प्रॉब्लम्स ऑफ दोस्तोवस्की पोएटिक्स के अंदर आता है, देन फर्दर डेवलप होता है रैबलियास इन हिज वर्ल्ड। ये दोनों ही काम आपको मार्क कर लेने हैं, बहुत इंपॉर्टेंट काम है आपके बख्तिन के। कार्निवलेस्क्यू इमेजरी एम्फसाइजेस प्ले, parody, pleasure and particularly the lower half of the body. The notion also suggests the suspension of all hierarchical rank principles, norms and prohibitions. जिस पर्टिकुलर टाइम पे कोई वर्क लिखा गया था, एक पर्टिकुलर हायरार्की के प्रोहिबिशंस एंड नॉर्म्स के अकॉर्डिंग लिखा गया था, वो ओवर द टाइम आपका चेंज हो जाता है। देन गिवन बिलो आर द टू टर्म्स, अगेन दो स्टेटमेंट है। रोला बार्थ बिलीव्स दैट द ऑथर इज द एपिटोम एंड कल्मिनेशन ऑफ द कैपिटलिस्ट आइडियोलॉजी। देन वॉल्टर बेंजामिन इन हिज स्टोरी टेलर ऑब्जर्व्स दैट एवरी रियल स्टोरी हैज समथिंग यूजफुल इन इट। अब हमारे रोला बार्थ ने आपके ऑथर के बारे में कुछ कहा है जो कि ट्रू स्टेटमेंट है। देन वॉल्टर बेंजामिन ने अपना एक फिक्शनल वर्क लिखा है स्टोरी टेलर, उसके बारे में बात की गई है। तो दोनों स्टेटमेंट आपके करेक्ट हैं। रोला बार्थ फेमस है अपने फेमस वर्क के लिए डेथ ऑफ द ऑथर। इसके थ्रू ये इतनी सी बात बोलते हैं कि जब एक रीडर एक वर्क को रीड करता है, उस पर्टिकुलर टाइम पे ऑथर की मृत्यु हो जानी चाहिए, वो उससे पूरी तरीके से डिटैच हो जाना चाहिए, और यही एक एपिटोम होता है आपकी कल्चरल आइडियोलॉजी का। आइए देखते हैं, दैट इन लिटरेचर इट शुड बी दिस पॉजिटिविज्म द एपिटोम एंड कल्मिनेशन ऑफ कैपिटलिस्ट आइडियोलॉजी विच हैज अटैच्ड द ग्रेटेस्ट इंपॉर्टेंस टू द पर्सन ऑफ द ऑथर। आपके इस पर्टिकुलर डेथ ऑफ द ऑथर के एसे को ये एंड करते हैं इन लाइंस के साथ, द बर्थ ऑफ द रीडर मस्ट बी एट द कॉस्ट ऑफ द डेथ ऑफ द ऑथर। ठीक है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट इनका वर्क है, अगेंस्ट है आपका ट्रेडिशनल लिटरी क्रिटिसिज्म। मेरी लिटरी क्रिटिसिज्म की सीरीज चल रही है जहां पे हम लोग आपके क्लासिसिज्म से लेके हमारे मॉडर्न टाइम तक के जो राइटर्स हैं, जो क्रिटिक हैं, उनको हम लोग डील कर रहे हैं। एंड वहां पे हम लोग देखते हैं कि ऑथर की बायोग्राफी का, वो किस पर्टिकुलर टाइम पे लिख रहे थे, उस टाइम पे लिटरेचर की वैल्यू थी भी या नहीं, इन सारी चीजों का बहुत इफेक्ट पड़ता है हमारे क्रिटिसिज्म पे। पर क्योंकि हमारे न्यू क्रिटिसिज्म एंड लिटरी थ्योरी के जितने भी पायोनियर्स हैं, वो बोलते हैं कि जो ट्रेडिशनल लिटरेरी क्रिटिसिज्म है उससे एक ब्रेक लेना है, आपको अपने काम को सिर्फ काम समझ के देखना है, ना कि इन रिलेशन विद द ऑथर।
आई होप दिस इज क्लियर. वॉल्टर बेंजामिन का अगेन ये एक वर्क है, फिक्शनल वर्क है, जो ओपनली बात करता है आपकी यूजफुल मॉरालिटी के बारे में. ठीक है, तो आप इसको पढ़ सकते हैं बाद में. हमारा लास्ट क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू रोला बार्थ विच ऑफ द फॉलोइंग कोट्स आर कॉमन टू ऑल द नैरेटिव्स. हमारे रोला बार्थ ने वर्क्स के ऊपर, क्रिटिक्स के ऊपर बहुत वर्क्स लिखे हैं, एंड इन पर्टिकुलर क्वेश्चन में ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि पांच टाइप के हमारे नैरेटिव कोट्स होते हैं जिसको एक पर्टिकुलर ऑथर यूज करता है अपने काम को अच्छा बनाने के लिए. ये कोट्स कौन से हैं? सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए ये फाइव नैरेटिव कोट्स आपको मिल जाएंगे इनके एस एन जेड बुक के अंदर. 1970 में ये पब्लिश हुई थी, बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार इनसे क्वेश्चंस पूछे गए हैं. ये है पांच तरीके के इनके कोड. पहला है हर्मेन्यूटिक कोड, देन प्रोएरेटिक कोड, देन सिमेंटिक, सिंबॉलिक एंड कल्चरल. पहले के जो दो कोड हैं ये इसको बताते हैं कि ये आपकी इंटरनल क्रोनोलॉजी बनाते हैं आपके नैरेटिव की. बाकी के जो तीन हमारे कोड्स बन जाते हैं ये कॉनोटेटिव मीनिंग को चेंज करने की कोशिश करते हैं. सिमेंटिक कोड आपकी लैंग्वेज कैसी है, आप उससे क्या मीनिंग निकाल रहे हैं. सिंबल्स कौन से हैं, आप एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड पे लिखे हुए सिंबल्स का क्या मीनिंग निकाल रहे हैं, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है. देन अगेन योर कल्चरल कोड्स, जो आपके कल्चर के अकॉर्डिंग चेंज हो जाता है. सो दैट वॉज इट फॉर दिस वीडियो. आपके लिए एक और एक एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है, इफ यू आर इंटरेस्टेड इन फॉलोइंग माई टीचिंग स्टाइल एंड आप अगर फ्री लाइव क्लासेस मेरी अवेल करना चाहते हैं तो अन अकेडमी पे दीज डेज आई एम टेकिंग फ्री लाइव क्लासेस, जहां पे हम लोग का लिटरी क्रिटिसिज्म एंड लिटरी मूवमेंट चल रहा है. एंड आगे के मंथ में कल्चरल स्टडीज एंड जो क्वेश्चन आपने देखे लिटरी थ्योरी हम लोग कवर करने वाले हैं. तो ये चारों चीजें आपको अन अकेडमी पे मेरी लाइव फ्री लाइव क्लासेस के जरिए मिल जाएंगी, तो जरूर से इसको आप अवेल कर सकते हैं. लिंक आपको इस वीडियो के नीचे मिल जाएगा. अगर आपको अच्छी लगती है मेरी स्टाइल ऑफ टीचिंग तो जरूर से उसको जाके चेकआउट करिए. एंड अप टिल देन अभी के लिए इतना ही है आपके लिए. आई होप आज की वीडियो आपको बहुत बहुत फ्रूटफुल लगी होगी. एक आपको बोलते हैं ना नजरिया मिला होगा ये देखने का कि हाँ हम लोग जो पढ़ाई कर रहे हैं बिल्कुल सही पढ़ाई कर रहे हैं, ये हम लोग ने सारे वर्क्स कंप्लीट कर लिए हैं. और अगर नहीं किए हैं तो इस वीडियो के बाद आप सर्च करके कर सकते हैं. मेरे टेलीग्राम को जरूर से जाके आप ज्वाइन कर सकते हैं, वहां पे आपको लिंक्स, क्विजेस, न्यू अपडेट्स एंड जो भी इंटरैक्टिव चीजें होती हैं वो मिल जाती हैं, पीडीएफ्स एंड आपके नोट्स मिल जाएंगे. तो इस पर्टिकुलर वीडियो के बाद आपको इस पर्टिकुलर वीडियो की जो पीडीएफ है वो भी वहां से मिल जाएगी. वीडियो अच्छा लगा हो तो जरूर से लाइक करिए. प्लीज अपने वैल्यूएबल वर्ड्स जो भी आपको लगता हो फीडबैक जरूर से देके जाइएगा, ताकि I can improve myself according to your suggestions, या फिर I can feel motivated according to how you feel on this particular channel. कोई भी concept अगर आपको ऐसा लगता है कि आपको समझ में नहीं आता है तो नीचे freely comment करो and I will take some time but I will surely make a video for you. Up till then I am going to take your leave. आपके लिए एक नई video लाने के लिए I will जरूर से bring up a new video like this, जो आपके exam से पहले आपकी preparation को एक step ahead लेके जाता है. So up till then bye and take care.